यार हिम्मत नहीं हारी आपने, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है आपको देख के। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली क्या होता है सर, दुनिया ये मैसेज देखती है कि व्हीलचेयर इज़ ए सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, बट हम कोशिश ये करते हैं कि व्हीलचेयर को डिसेबिलिटी का सिंबल ना बना के एबिलिटी का सिंबल बनाएं। और आज से कुछ साल पहले दुनिया सोचती थी कि व्हीलचेयर को ना मर्सी की नज़र से देखा जाए। हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं तो व्हीलचेयर पेशेंट के लिए होती है, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए होती है, एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए होती है, बट अभी डेफिनेशन पूरी चेंज हो चुकी है। व्हीलचेयर इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, दिस इज़ ए सिंबल ऑफ एबिलिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ मुशाहिद खान और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे। जब इंसान में हौसला होता है वो कुछ भी कर सकता है। उसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। अभी हम जा रहे थे दिल्ली मदद करने के लिए, लेकिन तभी हमें एक क्रिकेट ग्राउंड दिखा, एक नेट दिखा, मेरे पीछे देख सकते हैं नेट है, और नेट पर प्रैक्टिस करते हुए कुछ ऐसे लोग दिखे जिनको देख कर मुझे, मेरी गाड़ी ने ब्रेक लिए और मुझे मजबूर कर दिया इनके पास आने पर। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सोनू गुप्ता जी नाम है आपका। सोनू भाई, बहुत बहुत पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने हौसला नहीं तोड़ा। नहीं, सोनू भाई कैसे खेलते हो? देखिए, ये हमने 2014 में शुरू किया था व्हीलचेयर क्रिकेट, और तब से हम खेलते आ रहे हैं। और पहले ऐसा था कि मतलब हमारे में प्रॉब्लम ये है कि लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। एक तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता और एजुकेशन भी, पढ़ाई का नहीं हो पाता क्योंकि उनको पता ही नहीं है, बाहर निकले नहीं तो उनको पता नहीं है कि बाहर कैसे निकलना है। हमने स्टार्ट किया, लोगों ने, जैसे आपने देखा, ऐसे कई लोगों को नज़रों में आए, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकाला। तो जब हमारी दो टीमें थी सिर्फ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, अब इतनी टीमों को कॉम्पिटिशन बढ़ गया कि अब 14 क्रिकेट की टीमें खेल रही है व्हीलचेयर क्रिकेट की इंडिया में। तो बस यही हमारा मेन मकसद था कि जो भी मतलब हैं हमारे जैसे डिसेबल्ड जो भी बच्चे हैं और जो सोचते हैं कि उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो वो ग्राउंड पे देखते हैं हमको तो वो इंस्पायर होते हैं। हमें बस यही हमारी जीत है। एक एनर्जी इनके अंदर आते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। हमें सपोर्ट बहुत कम मिलता है लोगों का, फाइनेंशियली बहुत कम होता है। पंजाब टीम को इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि वो देखिए, आप 6 टीमों को बुला के टूर्नामेंट करा रहे हैं। अभी हमारा 2 फरवरी से 6 फरवरी 6 टीमों का लाइक आईपीएल की तरह मैच हो रहा है, जिसमें 8 प्लेयर तो टीम के रहेंगे, 4 प्लेयर अदर टीम से आएंगे, तो वो टूर्नामेंट हो रहा है। और ऐसे कई सारे हैं, गुजरात का हो गया, हरियाणा का है रमेश, वो कैप्टन है जो टीम में हमारे साथ खेलते थे। तो बस मेरा यही मेन मकसद था कि एक व्हीलचेयर क्रिकेट स्टार्ट किया जाए, ताकि जो नॉर्मल लोगों को मतलब काफ़ी फेमस हुए, तो अगर वो देखें तो कहीं ना कहीं उनकी झलक हम में भी ज़रूर दिखेगी। टैलेंट है आप में भी। सोनू भाई, किस तरह का आप चाहते हैं कि सरकार आपको सपोर्ट करे? हमारी जो व्हीलचेयर्स होती हैं काफ़ी महंगी आती हैं, है ना, और इसमें सरकार से और जो लोकल जो फाइनेंसर होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो ईज़िली हमको नहीं करती हैं। तो बस यही चाहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत, जैसे व्हीलचेयर्स हैं, व्हीलचेयर मिल जाएं, और फाइनेंशियली हम टीम को जैसे ले जाना चाहते हैं वहाँ के लिए, फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। अभी हम किसी के पास जाते तो जानते ही नहीं व्हीलचेयर क्रिकेट क्या है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी सपोर्ट मिले कंपनीज से। अब हम जा रहे हैं, हमें स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं वहाँ के लिए, लुधियाना के लिए, लेकिन देखते हैं मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ। लुधियाना आपकी, आपका मैच, अपकमिंग मैच लुधियाना में आपका, तो आपका कितने फाइनेंशियली कितने पैसे की ज़रूरत है? हमारा यहाँ से जाने का, आने जाने का जो है 20-25 हज़ार रुपये है। मतलब गाड़ी से अगर हम टेम्पो ट्रेवलर भी करते हैं तो इतना कॉस्ट तो लग जाएगा, 20-25 हज़ार रुपये। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन कुमार है सर। गुलशन कुमार, यस सर। जी, बताइए। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा, हाँ, व्हीलचेयर स्पिन में। अच्छा, व्हीलचेयर डांस नहीं, स्पिन, व्हीलचेयर में। हम सारे ही व्हीलचेयर डांस के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और वर्ल्ड क्लास हैं। सत्यमेव जयते हो गया, काफ़ी इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया, DID हो गया, सब में परफॉर्मेंस किया हुआ है हमने। यार हिम्मत नहीं हारी आपने, मुझे बहुत
बहुत खुशी होती है आपको देख के। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली क्या होता है सर, दुनिया ये मैसेज देखती है कि व्हीलचेयर इज़ ए सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, बट हम कोशिश ये करते हैं कि व्हीलचेयर को डिसेबिलिटी का सिंबल ना बना के एबिलिटी का सिंबल बनाएं। और आज से कुछ साल पहले दुनिया सोचती थी कि व्हीलचेयर को ना नर्सी की नज़र से देखा जाए। हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं तो व्हीलचेयर पेशेंट के लिए होती है, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए होती है, एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए होती है, बट अभी डेफिनेशन पूरी चेंज हो चुकी है। व्हीलचेयर इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, दिस इज़ ए सिंबल ऑफ एबिलिटी। सो दिव्यांगता सिर्फ मानसिक रूप में देखी जाती है, अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो वो मैटर नहीं करता, बट आपका कैपेबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है ना, तो आप वो हर एक चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए। तो हम व्हीलचेयर पर डांस परफॉर्मेंसेस भी करते हैं और मोर देन 15 कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं, और उसके साथ साथ में क्रिकेट हमारा पैशन है। और एक व्हीलचेयर क्रिकेटर जो कि सोनू सर ने बताया कि कैप्टन है दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के, इंडिया के भी कैप्टन रह चुके हैं। सो बेसिकली मोटिव यही है कि जब कभी भी डिफरेंटली एबल पीपल्स को देखें तो कभी ये ना सोचें कि दे नीड सम काइंड ऑफ मर्सी, दे ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दैट्स ओनली थिंग। चलिए, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो जिसके पैर नहीं है, या फिर अपने आप को वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ठीक है, लेकिन आपका वीडियो देख के बहुत लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे कि सोचना कि भाई हमारे पास पैर नहीं है। इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। सर ने, भाई ने कहा कि जिस तरह से दिव्यांगता है ना, शरीर से नहीं आती, दिमाग से आती है। अगर दिमाग से अपने आप को आपने सोच लिया कि आप दिव्यांग हो तो आप दिव्यांग हो जाओगे, आप अच्छे खासे भी दिव्यांग हो जाओगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। और इस टीम के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि आप जीत के आएँ, और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। और आप यूँ ही हिम्मत से काम लें, कभी अपनी हिम्मत ना छोड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को देख रहे हैं तो उसको लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।